हेमा मालिनी की लाडली बेटी ईशा देओल ने एक बेटी को जन्म दिया है। फैंस इस बच्चे का नाम जानने के लिए काफी उत्साहित है। ऐसे में नानी बनी हेमा मालिनी ने इस बच्चे का नाम बता दिया। अब स्टार किड है तो नाम स्पेशल होना तो लाजमी है। जी वाकई ये नाम शायद ही आपने पहले सुना होगा। हेमा मालिनी ने ईशा देओल और भरत तख्तानी की बेटी का नाम राध्या रखा है। एक अखबार से बातचीत के दौरान हेमा मालिनी ने ये भी बताया कि मथुरा के लोग इस बच्चे के जन्म से काफी खुश है और मथुरा श्री कृष्ण की नगरी है तो हमने बेटी का नाम राध्या रखा है। ईशा देओल के पति भरत तत्कानी एक कारोबारी है और कई साल की डेटिंग के बाद 2012 में दोनों की सगाई हुई और फिर उसी साल दोनों की शादी हुई। ईशा देओल 2015 के बाद लगातार पर्दे से गायब थी, जो आखिरी बार 2015 में रिलीज हुई फिल्म किल देम यंग में दिखाई गई थी। बताते चले कि ये दूसरी बार है जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र नाना नानी बने हैं। इससे पहले उनकी छोटी बेटी आहना देओल में मां बन चुकी हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ईशा लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और फैंस के लिए बेबी बम की तस्वीरें पोस्ट करती थी।